महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और वे राजसी खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें भौतिक जगत की सुख सुविधाओं की चाह नहीं थी। केवल 30 साल की उम्र में अपने मन की आवाज पर उन्होंने घर छोड़ दिया और उन सत्यों को खोजने लगे जो बड़े तप से प्राप्त होते हैं। उन्होंने सब चीजें त्याग दी। वो पात्र तक अपने पास नहीं रखा जो भिक्षा या पीने का पानी लेने के लिए होता है। उन्होंने दूसरे जीव रूपों को नुकसान पहुंचाने वाले सभी काम छोड़ दिए। वे कीड़ों को अपने शरीर पर चलने और काटने देते थे और धीरज से इस दर्द को सहते थे। अक्सर लोग उनकी निंदा करते, उन्हें गालियां देते, लेकिन वो उन्हें माफ कर देते। वे अक्सर व्रत रखते थे, लेकिन जब वे खाते थे तो हमेशा दूसरों का बनाया हुआ या दूसरों का बचा हुआ ही खाते थे। इस दौरान वे गहन तप करके शाश्वत ज्ञान खोजते रहते। माना जाता है कि संन्यास के अपने 12वें वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये रहस्यवाद और आध्यात्मिक जागरूकता का उच्चतम स्तर है। बोध प्राप्त होने पर उन्होंने समकालीन जैन परंपराओं की नींव रखनी शुरू कर दी।